अपने फैंस से मैं बहुत प्यार करता हूँ। बस बुरा तब लगता है जब कुछ फैंस मेरे प्यार का फायदा उठाते हैं। सोल्जर ये नहीं पूछता देश ने उसके लिए क्या किया, पूछता है वो देश के लिए क्या कर सकता है। जब शरीर, दिल और दिमाग मुझसे कहते हैं तो मैं कहता हूँ Bring it on। Bloody sweet। हाँ, एक तरफ शाहरुख खान की फिल्म पठान पांचवे हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ थलापति विजय की अपकमिंग फिल्म लियो ने रिलीज होने से पहले ही 400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमाई कर ली। तो तीसरी तरफ अगर देखे जाए तो अक्षय कुमार की सेल्फी फिल्म अभी भी बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पठान के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में, सेल्फी फिल्म के तीन दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में, और सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान और अजय देवगन की फिल्म भोला के ट्रेलर के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इन सभी फिल्मों में आपके पसंद की फिल्म कौन सी है। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें थलापति विजय सर के अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म लियो के बारे में, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं मेगा ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर लोकेश कनगराज, और इस फिल्म में थलापति विजय सर के साथ हमें बॉलीवुड के बाबा यानी कि संजय दत्त देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों फिल्म के अभी शूटिंग ही चल रही है, लेकिन इस फिल्म ने शूटिंग चलते चलते ही 400 करोड़ की कमाई कर ली है और थलापति विजय ने अपने नाम एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कर लिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर लियो फिल्म ने प्री रिलीज बिजनेस 400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का किया है। लियो फिल्म के जो डिजिटल राइट्स है वो सभी भाषाओं के 120 करोड़ में नेटफ्लिक्स ने खरीद लिए हैं। वहीं दोस्तों इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स साउथ लैंग्वेजेस के बिके हैं 70 करोड़ में, जिसे खरीदा है सन टीवी ने। वहीं इस फिल्म के 30 करोड़ में हिंदी सैटेलाइट राइट्स सेटमैक्स ने खरीद लिए हैं। इसके अलावा दोस्तों लियो फिल्म के जो म्यूजिक राइट्स है सभी भाषाओं के, वो 18 करोड़ में सोनी म्यूजिक ने खरीदे हैं। तो दोस्तों यहां पर फिल्म के जो डिजिटल सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स है वो तो बड़ी अमाउंट में बिकी चुके हैं, साथ ही साथ इस फिल्म के जो ऑल इंडिया थिएट्रिकल राइट्स है वो 125 करोड़ में बिके हैं। तो ओवरसीज मार्केट के इस फिल्म के थिएट्रिकल राइट्स 50 करोड़ रुपए में बिके हैं। यानी कि दोस्तों लियो फिल्म ने अपने सभी राइट्स बेच रिलीज होने से पहले ही टोटल कमाई 413 करोड़ की कर ली है। जी हां दोस्तों, ऐसा करिश्मा सिर्फ थलापति विजय सर की फिल्म में ही कर सकती है कि भैया अभी फिल्म की शूटिंग पूरी नहीं हुई, इसके पहले ही फिल्म के सभी राइट्स 413 करोड़ में बिक गए। तो दोस्तों फिल्म को लेकर जो हाइप है वो नेक्स्ट लेवल पर है, और उम्मीद कर सकते हैं कि यह फिल्म थलापति विजय सर के करियर की अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन सकती है। वही दोस्तों बात करें बॉलीवुड के सुल्तान और हम सबके भाईजान सलमान खान की अपकमिंग फिल्म किसी का भाई किसी की जान के बारे में, तो दोस्तों आपको याद हो तो सबसे पहले यूट्यूब पर मैंने आपको यह न्यूज देखी थी कि किसी के भाई किसी के जान के ट्रेलर के पहले इस फिल्म का पहला गाना नयो लगदा रिलीज होगा, और वो हमारे न्यूज 100% करेक्ट निकली। तो जितने भी सलमान खान के फैंस हैं उन सबके लिए एक और सबसे बड़ी न्यूज यूट्यूब पर सबसे पहले आ चुकी है, एकेबी मीडिया यूट्यूब चैनल पर। दिया दोस्तों आपको बता दें कि सलमान खान की अपकमिंग फिल्म किसी का भाई किसी की जान का सेकंड सॉन्ग भी अब बहुत ही जल्द रिलीज होने वाला है। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर किसी का भाई किसी की जान का जो सेकंड सॉन्ग है वो एक पार्टी एंथम और डांस नंबर होने वाला है, जिस सॉन्ग का नाम है बिली बिली। जी हां दोस्तों, गाने का नाम है बिली बिली और इस गाने की जो टेंटेटिव रिलीज डेट है वो रखी गई है 2 मार्च। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि 2 मार्च को ये गाना 99% रिलीज हो सकता है, हालांकि अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन होना बाकी है। तो चलिए अब बात करते हैं सुपरस्टार अक्षय कुमार की इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म सेल्फी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों सेल्फी फिल्म जिसमें अक्षय कुमार के साथ इमरान हाशमी नजर आ रहे हैं, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जो ओपनिंग ली वो अक्षय कुमार के करियर की अब तक की सबसे लोएस्ट ओपनिंग थी।
हालांकि फिल्म को जो रिव्यूज मिले थे वो सुपर पॉजिटिव थे, उसके बाद भी इस फिल्म के कलेक्शन में वीकेंड में कोई बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिली। जी हाँ दोस्तों, सेल्फी फिल्म ने पहले दिन 2,55,00,000 रुपए कमाए थे तो दूसरे दिन 3,80,00,000 रुपए। वही दोस्तों यहां पर सेल्फी फिल्म अपने तीसरे दिन यानी कि संडे ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 4,50,00,000 रुपए का कर चुकी है। इसी के साथ दोस्तों सेल्फी फिल्म का शुरुआती 3 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 10,85,00,000 रुपए, वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 12,50,00,000 रुपए। बताना चाहूंगा दोस्तों सेल्फी फिल्म का शुरुआती 3 दिनों में वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन लगभग 18,50,00,000 रुपए का हो रहा है। तो दोस्तों सेल्फी फिल्म का जो 3 दिनों का कलेक्शन है वो पूरी तरह से निराश करने वाला है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अक्षय कुमार के आने वाली जितनी भी फिल्में हैं वो बॉक्स ऑफिस पर फिर से धमाका करेगी और अक्षय कुमार फिर से बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लाइन लगा देंगे। लेकिन अब अगर बात करें बॉलीवुड के मास महाराजा अजय देवगन के अपकमिंग एक्शन ड्रामा फिल्म भोला के बारे में, तो दोस्तों अजय देवगन, तब्बू, अभिषेक बच्चन और अमला पोल की फिल्म भोला, जिस फिल्म का टीजर धमाकेदार था और टीजर ने ही फिल्म का जो बज़ है वो नेक्स्ट लेवल कर दिया है और इस वक्त हर कोई बेताब है भोला फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने के लिए। अब दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि भोला फिल्म रिलीज होने वाली है 30 मार्च को और फिल्म को रिलीज होने में लगभग 1 महीने का समय बाकी है। ऐसे में जितने भी अजय देवगन के फैंस और भोला फिल्म के फैंस है वो बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि आखिर भोला का जो ट्रेलर है वो कब रिलीज होगा, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के 2 टीजर तो दमदार थे, अब सबको बेचैनी है ट्रेलर देखने की। तो दोस्तों यहां पर भोला के ट्रेलर को लेकर एक नई खबर सामने आ रही है, जिस खबर को सुनने के बाद आप काफी ज्यादा खुश होने वाले हो। तो दोस्तों आपको बता दें कि मीडिया में यह खबर इस वक्त काफी ज्यादा फैल रही है कि भोला का जो ऑफिशियल ट्रेलर है वो रिलीज किया जा सकता है 10 मार्च को। जी हां दोस्तों, अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन मीडिया में यही रूमर से चल रहा है कि 10 मार्च को भोला का ट्रेलर हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जिस तरह अभी तक भोला के टीजर आए हैं उससे देखकर तो साफ पता चल रहा है कि भोला फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मिनिमम 20-25 करोड़ की ओपनिंग लेगी और अगर यह फिल्म लोगों को पसंद आ गई तो यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर 200-250 करोड़ की कमाई बड़ी आसानी से कर जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं बॉलीवुड की शान और इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान के कलेक्शन के बारे में। तो यहां पर पठान को मैंने बॉलीवुड की शान इसलिए कहा है क्योंकि दोस्तों अभी तक बॉलीवुड की फिल्में यानी कि हिंदी फिल्में कहीं ना कहीं पीछे रह चुकी थी, क्योंकि हिंदी मार्केट में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का टैग अपने नाम की हुई थी बाहुबली 2। लेकिन दोस्तों यहां पर पठान बिल्कुल करीब आ चुकी है कि नंबर 1 की पोजीशन पर हिंदी मार्केट में हमारे बॉलीवुड की फिल्म यानी कि पठान होगी और बाहुबली दूसरे नंबर पर आ जाएगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पठान के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे और ये फिल्म करती जा रही है ताबड़तोड़ कमाई। हालांकि बात करें पठान के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों शाहरुख खान की पठान फिल्म ने अभी तक ऑल इंडिया से नेट कलेक्शन 526 करोड़ का कर लिया है, वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 637 करोड़ रुपए। बात की जाए फिल्म के वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों पठान का जो वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन है सभी भाषाओं में वो हो चुका है 1,019 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, पठान फिल्म दुनिया भर से 1,019 करोड़ की शानदार कमाई कर चुकी है और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो गई है।